हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 29 नवंबर है और हम डेली करंट अफेयर 28 नवंबर की पढ़ते हैं। प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। नंबर एक, पहला पॉइंट, जम्मू एंड कश्मीर में नंदा शिल्प, नंदा शिल्प पुनर्जीवित करने के लिए पायलट योजना। कौन सी पायलट परियोजना चलाई जा रही है, और ये परियोजना किसके तहत चलाई जा रही है? कौशल विकास योजना के तहत, इस 3.0 2021। और इस योजना में 6 जिले शामिल हैं, जिसमें नंदा शिल्पकार के 2,250 लोगों को शामिल किया गया है, लाभ हुआ इन लोगों को। इसमें कितने समुदाय, इन लोगों को मिलाकर कितने समुदाय बन रहे? इसको 30 समुदाय समूह के लोग हैं ये। और ये नंदा क्या होता है? ये होती है कश्मीर कालीन, जो भेड़ की ऊनों से बनाई जाती है। ये भेड़ों की ऊनों से बनाई जाती है और कश्मीरी कालीन होती है, जिसको नंदा का नाम दिया गया। नंबर सेकंड पॉइंट, ब्रॉडवे के दिग्गज, इनका क्या नाम था? स्टीफन सोहन हाई यम, इनका निधन हो गया। इन्होंने 8 पुरस्कार, 8 ग्रैमी पुरस्कार, 8 ग्रैमी, 8 टोनी, 8 टोनी और एक विशेष लाइफ टाइम अचीवमेंट, एक लाइफ टाइम अचीवमेंट भी जीता उन्होंने, एक विशेष लाइफ टाइम अचीवमेंट और एक अकादमी, एक इतने सारे पुरस्कार। इनके पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक क्लोजर, और 2015 में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? बराक ओबामा, अमेरिका के पीएम बराक ओबामा से बराक ओबामा से देश का सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार, मतलब अमेरिका के थे ये, कहाँ के थे? अमेरिका के थे। ओबामा से एक विशेष नागरिक, इसके पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण हैं फ्रेंड्स, इनको लिख लीजिएगा, सर्वोच्च नागरिक। नागरिक का पुरस्कार जीता। जीता या सम्मानित किया गया? सम्मानित किया गया, और इनको सम्मान के पेशेंट ऑफ फ्रीडम से सम्मान। और ये विशेष पुरस्कार क्या था? सर्वोच्च न्यायालय का इस पुरस्कार का भी नाम छोटे में लिख दीजिए, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, जिसको नाम दिया प्रेसिडेंशियल ऑफ फ्रीडम। ये आज का दूसरा पॉइंट हो गया।
अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में अभी IOCL, BPCL, HPCL ने एक मॉडल रिटेल आउटलेट योजना परियोजना शुरू की। कौन सी योजना शुरू की? मॉडल रिटेल परियोजना आउटलेट योजना स्टार्ट की। इस योजना के तहत दर्पण प्लेटफॉर्म नामक एक डिजिटल ग्राहक दर्पण पंप नामक एक डिजिटल ग्राहक फीडबैक कार्यक्रम इन्हें एक मॉडल रिटेलर आउटलेट योजना के तहत दर्पण @ पेट्रोल पंप नामक इसमें क्या होगा कि जो इससे ही पेट्रोल भरवाएंगे तो उसके बारे में फीडबैक देंगे, वो भी डिजिटल अपने फ़ोन से देंगे। उस इस योजना का मुख्य सेवा और सुविधा मापदंडों पर एक सटीक देश पर मतलब इसमें एक सटीक इसकी मुख्य सेवा क्या है इसकी मुख्य सेवा इसकी मुख्य सेवा और सुविधा मुख्य सेवा या सुविधा क्या है 70,000 से अधिक खुदर दुकानों पर मतलब ये अपना पेट्रोल पंप यहाँ पे डिजिटल तौर पर मतलब यहाँ से पेट्रोल पंप कहीं पे भी ले सकते हैं। 70,000 से अधिक खुदर दुकानों पे इस चीज़ को शुभारम्भ किया। इसका मुख्य उद्देश्य 70,000 से अधिक दुकानों पर मतलब ये छोटे जैसे शॉप वगैरह होती है इस पर भी पेट्रोल मिलेगा। आगे चल के इस फीडबैक वहाँ से फिर फीडबैक लिया जाए कि यहाँ पर सही है कि ठीक है नहीं है इस मॉडल का। अगर ये कामयाब होगा तो ये आगे और भी बढ़ेगा। अभी फिलहाल में इंडियन एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स के जो प्रमुख होते एयर चीफ मार्शल बी 5 दिन के वी आर चौधरी 5 दिन के मिस्र के दौरे पर गए देश की सुरक्षा एक्सेट्रा के लिए। यहाँ पे मिस्र में क्या करेंगे ये वायु शक्ति संगोष्ठ और मिस्र रक्षा प्रदर्शनी मतलब मिस्र में रक्षा प्रदर्शनी तो मतलब देखेंगे कि क्या सब ठीक है क्या कि नहीं है और अपन क्या कर सकते हैं इनसे क्या ले सकते और भी कोई समझौता के लिए भाग ले रहे मतलब प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी वायु शक्ति संगठन और मिस्र रक्षा प्रदर्शनी में भाग लेंगे। मतलब यहाँ पे जाके वो देखेंगे कि भैया इनकी रक्षा प्रदर्शनी कैसी इसमें हम क्या ले सकते हैं इनको क्या दे सकते हैं इनको किस चीज़ की कमी है इससे निर्यात व्यात भी बढ़ेगा। हुनर हट को मिला भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का रजत। अभी फिलहाल में एक हाट हुई थी जिसका नाम है हुनर हाट को मिला भारत का को मिला क्या मिला
अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 का रजत, मतलब भारत ने इस मेले के जिसमें हुनर लोग हुए थे, हुनर लोगों ने भाग लिया होगा, इसलिए इसको हुनर हाट को नाम दिया गया। उसमें भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 के तहत भारत ने इसको रजत पद से सम्मानित किया। इसमें से 30 से अधिक राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों ने केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया, जिसमें 5,550 कारीगरों तथा शिल्पकारों ने भाग लिया और इन्होंने अपनी अपनी कलाओं को प्रदर्शित किया। इसके तहत इन लोगों को रजत दिया गया और भारत सरकार द्वारा दिया गया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के तौर पर। उसमें भाग लेने वाले बहुत से लोगों के कलाओं को संरक्षित किया गया। एनसीसी ने 28 नवंबर को अपनी 73वीं वर्षगांठ मनाई। इन्होंने अपनी 73वीं वर्षगांठ पर, ये इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय सबसे इम्पोर्टेंट है, इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है, जो कि देश की राजधानी है। और विश्व का ये सबसे, और ये कब स्टार्ट हुई थी? ये हुई थी 1948 में। एनसीसी कब स्टार्ट हुई थी? 1948, जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद ही। और इसमें मतलब विश्व के सबसे ज़्यादा वर्दी धारक, इसको क्या नाम, इसको एक नाम और दिया कि विश्व के सबसे ज़्यादा वर्दी धारक। विश्व के सबसे ज़्यादा वर्दी धारक युवा संगठन है, युवा मतलब सबसे ज़्यादा युवा संगठन है जो कि वर्दी धारक है, और भी एनसीसी में है। ये सेना में भी जाते हैं, इनको सर्टिफिकेट वगैरह भी मिलते हैं। लेफ्टिनेंट, और इसके कौन है, उसकी संगठन की अध्यक्षता, इसकी अध्यक्षता कौन करते? लेफ्टिनेंट जनरल गुरवीत लेफ्टिनेंट में गुरवीत पाल सिंह। जो कि एनसीसी के डीजी हैं, एनसीसी के क्या हैं ये? एनसीसी के डीजी, डायरेक्टर, एक तरह के डायरेक्टर जनरल जो भी हों, लेफ्टिनेंट जनरल हैं, ठीक है। इसके बाद अगला एक पॉइंट, दुनिया का सबसे, अभी फ़िलहाल में एक बहुत अच्छी घंटा में भारत में बहुत चीज़ें बढ़ रही हैं, बहुत चीज़ें घट रही हैं। दुनिया की सबसे ऊंची ऊंची चीज़ें बन रही हैं, मतलब कुछ दिन बाद दुबई बन जाएगा भारत, दुबई के लोग आएंगे घूमने। भारत में क्या क्या है? भारत में भारतीय रेलवे ने मणिपुर में सबसे, विश्व का सबसे, मणिपुर में विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा सेतु बांध, मतलब किसी नदी पे है, सेतु बांध बनाया। और ये कितना ऊंचा है? 141 मीटर। अभी इससे पहले कौन ऊंचा था? इससे पहले था यूरोप का, यूरोप के मार्टे नागी, यूरोप का मार्टे नागी के माला रिजेका नामक, नहीं, और भी इसके आ गए, वायोडेक, जिसकी लंबाई, उसकी ऊंचाई 141 मीटर की है। इसका रिकॉर्ड तोड़ के भारत के मणिपुर ने इसको सबसे ऊंचा सेतु बनाया। और इस सेतु को
किस योजना में, मतलब किस योजना के तहत इसका निर्माण किया, इसका निर्माण किया जा रहा है? 111 किलोमीटर लंबी जिरीबाम इम्फाल रेलवे लाइन, रेलवे लाइन के तहत, रेलवे लाइन के तहत किया जा रहा। रेलवे लाइन का एक हिस्सा है, मतलब कि एक रेलवे लाइन बनेगी, इसके बीच में इसकी ऊंचाई है, ये एक पुल डलेगा यहाँ से, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 141 मीटर। और इसकी पूरे की लंबाई कितनी है? 111 किलोमीटर रेलवे लाइन, रेलवे ट्रैक है ये। और इस रेलवे ट्रैक को मणिपुर की राजधानी से, मणिपुर की राजधानी, इसमें एक और पॉइंट है, मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। मणिपुर की राजधानी को ब्रॉड गेज, देश की ब्रॉड गेज, ब्रॉड गेट नेटवर्क से जोड़ेगा, मतलब पूरी दुनिया में ये ट्रैवल कर सकते हैं रेलवे द्वारा, क्योंकि मणिपुर अभी जुड़ा नहीं था, इसको देश के ब्रॉड गेट नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। किसके द्वारा? भारतीय रेलवे मणिपुर के द्वारा जोड़ा जाएगा। अभी फ़िलहाल में कुछ एमपी ने एक बहुत अच्छी योजना स्टार्ट की है, एमपी ने एक बहुत बढ़िया योजना स्टार्ट करी। एमपी ने अभी फ़िलहाल में देश का पहला साइबर सेल शहर, साइबर शहर तहसील, साइबर तहसील, सॉरी साइबर तहसील, तहसील के लिए इन्होंने अपनी एक भेज दी है, जिस देश का पहला साइबर तहसील बनेगा एमपी में। तो इसको अभी कुछ ही दिन पहले, इसको अभी फाइल गई है अभी इसकी, अब इसको आगे के लिए भेजा जाएगा कि हाँ इसको करना है कि नहीं करना। वैसे इन्होंने भेज दी है फाइल, तो इसका कॉन्फर्मेशन है कि देश का पहला साइबर तहसील बनेगा एमपी। अभी एक कवि थे जिसका नाम था संत ताती का निधन, संत ताती का इनका निधन हो गया। इन्हें 2011 के साहित्य अकेडमी पुरस्कार जीता था, और क्यों और किसके उसमें जीता था? इन्होंने जीता था, ये लिख लेना, इनकी किस किस कृति के लिए जीता था इन्होंने? कलैयर दिन तो, कलैयर दिन तो अमरा होवे, इसका मतलब है कल हमारा होगा। और इन्होंने 2007 में असम बैली लिटरेरी पुरस्कार भी जीता था, ठीक है, कौन सा? साहित्य अकेडमी। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जीता था। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। दूसरा, दिल्ली में 28 नवंबर को लाल ग्रह दिवस मनाया गया, इंडिया में यहाँ पे लाल ग्रह दिवस मनाया गया 28 नवंबर को, ठीक है। और 28 नवंबर को क्यों लाल ग्रह दिवस मनाया गया? क्योंकि पता नहीं क्यों मनाया गया, मगर जो भी बनाया गया 28 को। ताशकंद, ताशकंद एक देश है, ताशकंद 2025 में एशियाई, 2025 में एशियाई युवा पैरा
युवा पैरा खेलों का आयोजन करेगी, खेलों की मेज़बानी आयोजन करेगी। और अभी फिलहाल में दो पुस्तक आई हैं भारत सरकार द्वारा या भारतीय रेलवे द्वारा, भारत सरकार के कहने पर भारतीय रेलवे द्वारा राम पुणे से रामपथ यात्रा एक्सप्रेस को चलाया गया। इस एक्सप्रेस वेज का इसमें क्या क्या होगा, इसमें भगवान राम के नंदीग्राम, भगवान राम के नंदीग्राम श्रृंगेश्वरपुर वाराणसी प्रयागराज चित्रकूट अयोध्या अयोध्या से जुड़े 6 तीर्थ स्थान, मतलब अयोध्या के अंदर तीर्थ स्थान स्थलों पर जाएगी। उसका पैकेज क्या है, अब ये जाएगी तो उसका पैकेज भी तो होगा कुछ कि भैया कितना पैसा लेंगे। इसका पैकेज है 14,290 रुपये पर पर्सन, प्रति व्यक्ति। इसमें एक आपको गाइड, रात का खाना, दोपहर का खाना, नाश्ता दिया जाएगा और परिवहन, रहना ठहरना इसमें मतलब सब कुछ है। और कितने दिन की यात्रा होगी ये तो इसमें नहीं जिक्र किया गया, मगर जितने दिन में अभी चलाएगी यात्रा, अब जो कितने दिन में पूरा करती है, इसमें ट्रेन को रोक के आपको घुमाएगा, पूरी जगह ये घुमाएंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल में दो नई पुस्तकें लॉन्च ही। एक पॉइंट और इसमें, दिल्ली का सदर पुलिस स्टेशन दुनिया का सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन है, देश का, दुनिया देश की बात बराबर ही है, देश का दिल्ली का सदर पुलिस स्टेशन सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन है। अब पता नहीं क्यों इसमें ज़्यादा खासियत दी नहीं है, मगर उन्होंने क्रिमिनल वगैरह जल्दी पकड़ लेते होंगे ये लोग। अभी फ़िलहाल में दो पुस्तकें लॉन्च हुई हैं, इन पुस्तकों को नोट डाउन कर लेना। अभिजीत बैनर्जी और बाल की मून कुकिंग टू सेव योर लाइफ, रिवॉल्ड यूनाइटिंग नेशंस इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड। आज का टॉपिक यही खत्म है। ये दोनों पुस्तक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, ये ज़रूर पेपर में आएंगी, कोई से भी पेपर हो ये ज़रूर पुस्तक आएंगी, ये 2028 की ये लॉन्च हुई हैं। और ये दोनों पुस्तक हैं, ये दोनों पुस्तक ये इंडिया के हैं और ये चीन के हैं। थैंक्स फ्रेंड, लाइक और शेयर करना ना भूलें।